है और वो प्रॉपरली चार्ज हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी यही चीज़ तो वोल्टेज सेक्शन को हमें पूरा ट्रेस करना पड़ेगा, ट्राईस्टार और टेग्रेस यानी यूएसबी आईसी और चार्जिंग आईसी को हमें प्रॉपरली पूरा ट्रेस करना पड़ेगा। आज देखिए जो रीडिंग है इसकी, ये एम्पेयर डाउन कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट में बंद कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है ये आईफोन एक्स है और ये हमारे पास बिल्कुल डेड कंडीशन पर आया है, तो इसको कैसे डायग्नोस करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास यूएसबी का पोर्ट जो है उसको आप कैसे चेक करना है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये पोर्ट है, आप ये केबल आसानी से मिल जाती है, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे नीचे नंबर पे है, उस पर आप ये केबल ले भी सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये वर्किंग फ़ोन है, तो अभी आप इस केबल को लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो एम्पेयर अभी 5 वोल्ट है और जो करंट एम्पेयर है वो 0 है अभी, और नीचे जो पावर के सेक्शन है और बाकी डिटेल्स है आप देख रहे हैं अभी वो नॉर्मल है। तो अगर आपका फ़ोन ओके होगा तो आपको इस पे क्या रीडिंग मिलेगी वो आपको चेक करना है। देखिए मैं इसको फ़ोन पे लगाता हूँ चार्जिंग पे, तो देखिए यहाँ पर 1.8 की जो रीडिंग है वो आ गई, और पावर सेक्शन जो 9.38, 8.7 यानी इतनी पावर कंजम्पशन इसके अंदर हो रही है। कैपेसिटी जो है इसकी 0.11 mAh की है, और रीसेट्स की जो लाइन है वो भी 0.02 एम्पेयर है, यानी ये नॉर्मल एम्पेयर की रीडिंग है। तो इसका मतलब मेरे फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी और बैटरी ओके है और वो प्रॉपरली चार्ज हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी यही चीज़ मैं आपको ये जो फ़ोन आया वर्किंग के लिए इसके ऊपर दिखाऊँगा, आपको क्लियर होगा। ये देखिए अभी मैं फ़ोन इसके ऊपर है, तो मैं अब देखिए जब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो देखिए एम्पेयर की जो रीडिंग है 0.437 है, और यहाँ पर जो रीसेट्स की लाइन है वो ज़्यादा, और पावर कंजम्पशन भी 2.20 है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि एक तो प्रॉपरली इसको वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो वोल्टेज सेक्शन को हमें पूरा ट्रेस करना पड़ेगा, ट्राईस्टार और टेग्रेस यानी यूएसबी आईसी और चार्जिंग आईसी को हमें प्रॉपरली पूरा ट्रेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी इसकी डिस्क बाद हमें प्रॉपरली डीसी की रीडिंग देखनी पड़ेगी कि डीसी के अंदर क्या रीडिंग मिल रही है, और फ़ोन को क्योंकि ऑलरेडी 2 बार 3 बार किसी दुकानदार से काम हो गया है बट हुआ नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हुई है उसको हम ट्रेस करेंगे। चलिए अब डीसी पे लगाता हूँ, उस पर दिखाता हूँ आपको। हेलो, तो जैसे मैंने आपको अभी केबल के अंदर दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है ना, तो अभी आप देखेंगे तो मैं आपको रीडिंग अभी दिखाता हूँ। मैंने कनेक्ट कर लिया है, तो अभी देखिए जो रीडिंग है इसकी, ये डायरेक्टली वोल्टेज डाउन कर रहा है। आज देखिए जो रीडिंग है इसकी, ये एम्पेयर डाउन कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट में बंद करता हूँ तो अभी 2 एम्पेयर 4.2 है। तो जैसे ही मैं करूँगा, ये देखिए डायरेक्ट रीडिंग जो है एम्पेयर इतने उठा रहा है, और मदरबोर्ड भी अभी प्रॉपरली हीट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्ट शॉर्टिंग है। और मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी ऑन करके रीडिंग चेक करते हैं कि क्या आ रही है। तो देखिए ऑन करने के ऊपर जो है एम्पेयर, सर ये कितने दिन का होता है, जैसे कई जगह पे मैं देखता हूँ 10 दिन का होता है, 12 या 15 दिन? नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कोई 10 दिन का 12 दिन का कोर्स नहीं है। हम मिनिमम जो डे लेके चलते हैं, 25 से 30 दिन यानी 1 महीने का रफली टाइम हम लेके चलते हैं। अगर 1 महीने से ज्यादा भी बच्चे को लगता है तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि 1 महीना हो जाएगा तो बच्चे की फीस आ गई तो हम आगे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1 महीने की जगह 40 दिन लगे 45 दिन लगे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, कुछ नहीं। तो अभी माइक्रोस्कोप के अंडर इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे, अभी तक तो लेयर लग रहा है कि फ्रेश है, बट प्रॉब्लम क्या है, मदरबोर्ड अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है उसको डायग्नोस करते हैं। तो चलिए माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको कि पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही। डायोड मोड पे मुझे बैटरी के कनेक्टर पे एक तरफ तो वैल्यू दिख रही है 400 की, और
दूसरी तरफ वैल्यू आ रही है 525, यानी शॉर्टिंग है। तो कस्टमर की जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि फ़ोन पूरा हीट अप हो रहा है, और मुझे जो डाउट है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज केस के अंदर है। अगर आप देख रहे हैं तो ये वाटर डैमेज केस हो सकता है। चलिए इसका मदरबोर्ड सेपरेट करते हैं और फिर इसको डायग्नोस करते हैं। तो जैसे आपने देखा, तो अभी हम इसको रोजिन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा शॉर्ट कहां पर है। तो शॉर्ट को फाइंड करते हैं। अभी हम रोजिन अप्लाई करके देखते हैं कि अपर बोर्ड में शॉर्टिंग है या लोअर बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो अभी हम जो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे उसमें देखते हैं हमें क्या, कहाँ पे शॉर्ट मिलता है हमें। तो अभी पहले जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब वोल्टेज इंजेक्ट करें तो आपको लाइन पता होनी चाहिए कि आप कौन सी लाइन के ऊपर कितनी वोल्टेज आप इंजेक्ट कर रहे हैं और कौन से कंपोनेंट के ऊपर आपको वोल्टेज इंजेक्ट करनी है। आपको पॉजिटिव लाइन के ऊपर हमेशा वोल्टेज इंजेक्ट करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इंटेल का बोर्ड है तो मैं अभी इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। आप देखना इसमें कि लोअर वोल्टेज यानी 3 वोल्ट और 3 एम्पीयर पे कहाँ पर ये शॉर्टिंग है कि नहीं है। अभी कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं दिख रही है, तो मुझे वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो अभी मैं 4.2 वोल्टेज देता हूँ लाइन पे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी ये वाईफाई आईसी यहाँ से मेल्ट होगी, इसका मतलब ये वाईफाई आईसी शॉर्ट थी। लोअर बोर्ड के अंदर ये वाईफाई आईसी शॉर्ट थी, तो अब इस वाईफाई आईसी को हमें चेंज करना पड़ेगा डोनर बोर्ड से। तो ये लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो लाइव प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जो भी हम कोर्सेज कराते हैं, जो भी हमारे फ़ोन्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो लाइव प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हम बच्चों को बताते हैं। तो ये लाइव प्रैक्टिकल वाईफाई आईसी है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसका प्रोसेस जो है सारे स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और अभी इसी तरीके से वाईफाई आईसी को कैसे चेंज करना है, इसका क्या टेम्परेचर रहेगा, कितने एयर के ऊपर आपको रखना है, आपका मदरबोर्ड का सेक्शन या आपका पीसीबी का सेक्शन किस टाइप का रहेगा, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको चिप लेवल के ऊपर काम करना है। तो हम प्रॉपर डीपली डिटेल के ऊपर ही सारी नॉलेज देते हैं चिप लेवल के ऊपर। तो अगर आप एडमिशन के लिए आना चाहते हैं तो पीजी फैसिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल है, और आप आराम से आके यहाँ पे रह के और कोर्स कम्प्लीशन कर सकते हैं। और पूरा स्कीमेटिक्स और प्रैक्टिकल जैसे कि आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई टेक लैब्स हैं हमारे पास, सब तरीके के इक्विपमेंट, सब तरीके के मटेरियल्स, नए टूल्स जितने भी आते हैं, सब तरीके के टूल्स के ऊपर प्रॉपरली बच्चों को काम सिखाया जाता है।
तो ये वाईफाई आईसी देखिए जैसे मैंने उतार दी है, अब इस वाईफाई आईसी को हम दूसरे आईसी पे रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा फ़ोन जो आईसी शॉर्ट है उस पर दोबारा हम वापस लगाएंगे इसको। ये है सिर्फ आपके रास्ते टेम्परेचर कंट्रोल, और आपने कब ध्यान देना है कि आपका ब्लेड इंसर्ट उस टाइम होना चाहिए कि नहीं, और कब आपने ब्लेड को आपने फ्लिप करके उठाना चाहिए।